सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस चैनल पर और मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक विषय लेकर आए हैं, कैसे बने आईएएस। आज का विषय मोटिवेशनल वीडियो है। सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहे बच्चों के समक्ष कई सारे प्रश्न रहते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे बनना है। तरह तरह के लोगों से वो बहुत सारे डायलॉग सुनते रहते हैं, बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनते रहते हैं। कुछ कहानियों से वो प्रेरित भी होते हैं और कुछ कहानियों से वो डोमिनेट भी हो जाते हैं। कभी कभी तो उन्हें ये भी लगता है कि बहुत ही कठिन है, कभी कभी उन्हें लगता है कि हमारे संसाधनों से वो बाहर है। बहुत सारे गरीब बच्चों को कुछ प्रेरणा ही नहीं मिल पाता है। बहुत सारे गरीबों का उदाहरण सुनते हैं कि वो आईएएस बन गए तो उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत लोग डोमिनेट कर देते हैं, जिससे लगता है कि संसाधन बहुत चाहिए। आज कैसे बनेंगे आईएएस से के तहत मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको ये जरूर पता चलेगा कि पढ़ाई का समय, परिश्रम का समय या एकेडमिक बैकग्राउंड, इन सब चीजों से भी ज्यादा आईएएस बनने के लिए कई चीजें जरूरी हैं। और यह भी मैं इसमें आप दिखाऊं बताऊंगा आपको कि आईएएस बनना केवल एक पद प्राप्त करना नहीं, आईएएस बनना एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समझिए, एक जिले का भार आपके ऊपर है। और आईएएस बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि एकेडमिक बैकग्राउंड में आप टॉपर हो। आपके अंदर अपने जिम्मेदारियों को निभाने का, उस पद को निभाने का योग्यता होना जरूरी है, उसके लिए जुनून होना जरूरी है। तो कैसे बने आईएएस के लिए मैं आज हम इन्हीं टॉपिकों पर आपका डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि आईएएस बनने के लिए वे चीजें जरूरी हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी के पास हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि मेरे पास ये है। जिन चीजों को एक विद्यार्थी के अंतर्गत, जिन चीजों को वह बाहर खोजता है, वो उसके अंदर ही होती है। उसके लिए वो बाहर ढूंढता है कि दूसरों के पास ये है तो आईएएस बन गए, दूसरे के पास ये है तो आईएएस बन गए। ये नहीं सोचता है कि वे सारी चीजें जो आईएएस बनाने के लिए काफी हैं, जो आईएएस में सफल करने के लिए काफी हैं, जो एक आईएएस बनने के लिए, आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो हर विद्यार्थियों में होना चाहिए, वो आपके अंदर है। जो एक विद्यार्थी के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो आपके अंदर है, लेकिन आप उन चीजों को ढूंढते हैं जो बाहर है। आज हम यही बताएंगे आपको कि आईएएस बनने के लिए जिन चीजों की खोज करनी है उन्हें आपको बाहर नहीं ढूंढना है। अगर ऐसा ना होता तो गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसके पास संसाधन नहीं है, एक ऐसे आईएएस टॉपर के बारे में मैं जान रहा हूं जो तीन तीन महीने एक एक टाइम की नौकरी, एक एक टाइम का भोजन करते थे और 300 रुपए माहवार की वो नौकरी करते थे। 300 रुपए महीने की नौकरी करके एक टाइम खाकर भी अपने सपनों को उन्होंने मरने नहीं दिया और टॉप रैंकर बने आईएएस। लास्ट अटेम्प्ट था, एक प्रश्न को उन्होंने उल्टा लिख दिया क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर उनके ऊपर था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे सारे रिक्वायरमेंट, अब आप देखें कि अगर खाना से, भोजन से, संसाधन से और बहुत सारे लग्जरियस वस्तुओं से कोई आईएएस बन पाता तो शायद वे टॉपर नहीं बन पाते क्योंकि वे चीजें उन्हें नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस धैर्य, जिस परिश्रम, जिस न हारने मानने वाली जिद की भावना,
जो होना चाहिए एक विद्यार्थी के अंदर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के अंतर्गत, वो उनके अंदर था भले ही अन्य चीजें नहीं थी और वो टॉप कर गए। यही चीज हमको यहां आज बताना है और यही बताने के लिए मैं आया हूं। पिछले 20 वर्षों में सिविल सेवा की तैयारी में लगा हुआ हूं और 11 वर्षों से अपना विक्रमादित्य आईएएस चैनल में मैं विद्यार्थियों को गाइड करता हूं। सीनियर से लेकर जूनियर हर स्तर के स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूं और मैं यही सिखाता हूं। जैसा कि बहुत लोगों ने यह भी बताया है कि जो सफल होता है वही दूसरों को आईएएस बना सकता है, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कोचिंगें हैं जिनमें वे लोग पढ़ा रहे हैं और जिन्होंने सैकड़ों लोगों आईएएस बनाया है जो कभी असफल थे। क्या सचिन तेंदुलकर के गुरु या विराट कोहली के गुरु क्या कोई विश्व कप जीते हैं या उन्होंने कितना शतक मारा है, लेकिन उनके शिष्य शतक मार रहे हैं और उनके शिष्य जो है वर्ल्ड कप ला रहे हैं। क्या उन्हें वर्ल्ड कप लाने के लिए पहले उनको गुरु को वर्ल्ड कप लाना था? गुरु अपने जगह होता है, कोच अपने जगह होता है, वो आपके अंदर वो गुण लाता है जिससे आप कंपटीशन बीट करते हैं, ना कि वो आपको बीट करके दिखाता है। महाभारत के युद्ध में गुरु भी एक तरफ थे, शिष्य भी एक तरफ थे, द्रोणाचार्य एक तरफ थे और अर्जुन एक तरफ थे, लेकिन द्रोणाचार्य महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाए लेकिन अर्जुन जीत गए। अब अर्जुन से कोई ये कहता कि जब द्रोणाचार्य महाभारत का युद्ध जीतेंगे तभी हम महाभारत का युद्ध जीतेंगे? गुरु आपके अंदर उन चीजों की भावना भरता है जिससे आप कंपटीशन बीट करते हैं। अगर सही गुरु है, जीवन में परिश्रम किया है और सच्चे मन से सिविल सेवा की तैयारी किया है और अपना जीवन लगाया है, तो आपको इतना वो जानता है कि कैसे सिविल सेवा में आप सिलेक्ट होंगे। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और उसके ज्ञान पर आपको आस्था होना चाहिए, निश्चय ही आप सफल होंगे। सिविल सेवा भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा, सिविल सेवा की तैयारी करना ही अपने आप में गर्व का विषय है, शर्म का विषय नहीं है। बहुत लोग कहने में भी, आजकल तो सिविल सेवा जो है बहुत लोग कह देते कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से, सच्चे दिमाग से और सच्ची भावना से अगर सिविल सेवा की कोई तैयारी करता है तो यह गर्व का विषय है। एक सही सिविल सर्विस का एस्पिरेंट, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी का चेहरा हमेशा गर्व से भरा रहता है। आप उसके चेहरे की लालिमा को देखकर, उसके चेहरे की गर्व की भावना को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, निश्चय ये बहुत गंभीर स्टूडेंट है। उसके चेहरे पर चमक होती है, लाइट होती है, क्योंकि जब वो पढ़ेगा, जब उसका झोली भरता चला जाएगा ज्ञान से, उन चीजों के बारे में जिनके बारे में कभी सुनता था लेकिन वो समझता नहीं था, जब उसके अंदर इन चीजों का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा तो उसका लगेगा कि मेरी झोली जो अभी तक खाली थी वो भर रही है, चेहरे पर चमक आ जाएगा। एक सही सिविल सेवा एस्पिरेंट का तैयार करने वाला विद्यार्थी पागल नहीं होता, जैसा कि लोग कहते हैं तैयारी करेंगे पागल हो जाएंगे, और उसका चेहरा गर्व से लाल रहता है, कहीं भी आप देखेंगे अंदाजा लगा देंगे बहुत सही विद्यार्थी है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है। ब्रिलियंसी के लिए आपको एकेडमिक बैकग्राउंड में टॉपर नहीं बनना है, बहुत सारे थर्ड डिविजनर भी आईएएस बन चुके हैं, बहुत सारे फेल हुए विद्यार्थी भी आईएएस बन चुके हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड जो है, स्कूली शिक्षा और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे टॉपर यहां से असफल हो जाते हैं और जो जीवन में कभी नहीं टॉप किया वो यहां टॉप कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के अंतर्गत जो गुण चाहिए, धैर्य, परिश्रम, ना हार मानने वाली जिद और हर प्रकार के दुख और कठिनाइयों को सहने की क्षमता, अगर यह किसी भी विद्यार्थी के अंतर्गत है तो मेरा दावा है यह गुण आईएएस बनने के लिए पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि और सारे गुण नहीं चाहिए, यह तो कहना अपने आप में मूर्खता है कि और सारे गुण नहीं चाहिए, विषय की जानकारी नहीं चाहिए, विषय का सारगर्भित तैयारी नहीं चाहिए, यह तो कहना एक मूर्खता कि सब नहीं चाहिए।
लेकिन उन चीजों से पहले ये चीज चाहिए, धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए, क्योंकि कितना दिन टिकना पड़ेगा इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। कितना दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कितना आपको असफलता सहना पड़ेगा, कितना आपको कष्ट काटना पड़ेगा, कितना आपको दुख झेलना पड़ेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट जो सारी विषयों की जानकारी रखते हैं उन्हें भी वर्षों तपस्या करना पड़ता है। तो क्या वो अपने आप को अयोग्य मान ले? क्या ये मान ले कि मैं कभी बन ही नहीं सकता? अगर ऐसा होता तो एक व्यक्ति अपनी उम्र के लास्ट में कैसे टॉप कर सकता था? इसका मतलब वो पहले अयोग्य था, एक बैग वो योग्य बन गया। क्या ऐसा कौन सा विधि उसने अपना लिया कि जो 32 साल तक नहीं कर पाया, 33 साल तक नहीं कर पाया और 35वें में वो जान गया? यानी 32 33 साल तक वो अयोग्य था, अनपढ़ था, क्या कर रहा था भाई? मानक और उदाहरण ऐसे रखने चाहिए किसी भी, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सफल परीक्षार्थी हो, मानक ऐसे रखने चाहिए जो गरीब से गरीब, निम्न से निम्न और कम से कम बुद्धि वाले विद्यार्थी को भी प्रेरित कर सके। कोई टॉपर ऐसा नहीं होता है जो मेंस की परीक्षा देकर आए और यह बता दे कि मैं टॉप करूंगा। कोई टॉपर ऐसा नहीं कर सकता है। ना हो तो आप आईएएस का जब मेंस हो आप देख के आइए, बताइए, पूछ लीजिए किसी व्यक्ति से, शायद वो आपको मारने को तोड़ा देगा कि अरे भाई आप ही टॉप करने वाले हैं। कोई ऐसा टॉपर नहीं। सिविल सेवा की परीक्षा संभावनाओं की भी तैयारी। एक कृषक जब फसल बोता है तो वो यह मान कर बोता है कि फसल खूब अच्छा होगा, लहलहाएगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में वो कैसे निश्चित बता सकता? हो सकता है बरसात ज्यादा हो जाए, हो सकता है पत्थर पड़ जाए, फसल ही बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके अंदर यह भावना नहीं रहती कि पत्थर पड़ेगा, उसके अंदर यह भावना नहीं रहती कि पानी बरसेगा, उसके अंदर यह भावना रहती है कि सस्य सामला धरती, खूब फसल लहलहाएगी और जम के अनाज पैदा होगा। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट भी यही करता है, यही सोचकर तैयारी करता है, और आपके अंदर यही भावना होनी चाहिए। आपके अंदर यह नहीं होना चाहिए कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जहां संशय है एक संशय रहित तैयारी प्रारंभ होना चाहिए। हमेशा विश्वास होना चाहिए, यह मानकर चलिए कि आपके हाथ में केवल और केवल कर्म है, भाग्य नहीं है, भाग्य आप नहीं जानते। हो सकता है कि भाग्य में ही यह लिखा हो कि कर्म करके मिलेगा, तो कर्म तो आपको करना ही करना है, आप कर्म से वंचित नहीं हो सकते। आपके हाथ में केवल कर्म है, कर्म में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और तो जो नसीब में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन नसीब में हो सकता है यही लिखा हो कि बिना कर्म के नसीब भी नहीं जगेगा, तो कर्म तो आपको करना ही करना है, इसलिए हमेशा कर्म करिए। भारत की इस सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए आप हमेशा गर्व से भरे रहिए, यह गर्व का विषय है। भारत की एकमात्र परीक्षा जिसकी तैयारी करने के बाद आपकी झोली भर जाती है। बड़े से बड़े संघर्ष करने के बाद इसकी तैयारी होती है, वर्षों की मेहनत, वर्षों की तपस्या के बाद इसकी तैयारी पूर्ण होती है, तब जाकर कोई सफल होता है। और अगर सफल नहीं भी होता है तो आपकी झोली में इतना ज्ञान आ जाता है, आपकी झोली ज्ञान से इतनी भर जाती है कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। एकमात्र भारत की ऐसी परीक्षा है जो असफलता के बाद आपको बहुत कुछ दे जाती है। एकमात्र भारत की ऐसी परीक्षा है जो असफलता के बाद आपकी झोली भर कर जाती है। यह एक गलत धारणा है कि सिविल सेवा तैयारी से असफल होने के बाद लोग पागल हो जाते हैं। मैंने 20 साल तैयारी किया और केवल केवल सिविल की परीक्षा पर ही मेरा ध्यान था, तो क्या पागल हो जाए असफल होने के बाद? मैंने कर्म में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार मेंस में मूल्यांकन करेंगे कि आपका क्यों नहीं हो रहा है, दो बार आप कहेंगे कि हो सकता है ये प्रश्न ले पाया, तीन बार आप करेंगे हो सकता है मैं यहां गड़बड़ था, चार बार करेंगे, पांच बार करेंगे, छह बार, कितने बार आप अपने कमियों का मूल्यांकन कर पाएंगे?
एक समय तो ऐसा आ ही जाएगा जब आप कहेंगे कि अब ये मेरे बस की बात नहीं कि क्या कमी है, ये क्या है, ये से आप तुरंत हट जाएंगे। अब आप केवल अपने कर्म पर भरोसा कर सकते हैं। शायद अगर कोई टॉपर या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट अगर अपने कर्म पर विश्वास न करते और केवल कमियों का उद्धरण करते तो ओवर एज होने के बाद सफल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे टॉपर रहे हैं, चाहे यूपीपी से चाहे आईएएस, जो 32, 33, 35 तक सफल हुए हैं। तो क्या 12, 15 साल तक वो अपनी कमियां ही देखते रहते? एक समय ऐसा आता है जब आपके पास केवल और केवल यही रह जाता है कि कर्म मैं करूं। जैसे नेकी कर दरिया में डाल का हिसाब है, वैसे कर्म करके भी आप कर्म करिए और अपने आपको अपने ऊपर चाहे ईश्वर के ऊपर या किसी को विश्वास करते रहिए कि सफलता एक ना एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। बस आपका ध्यान हमेशा कर्मरत होना चाहिए, हमेशा कर्म पर होना चाहिए, न हार मानने की जिद होना चाहिए। संघर्ष और असफलता को भी आपको हरा कर आगे बढ़ना है, ठीक है। एक तैयारी का ऐसा क्षेत्र है सिविल सेवा जो अनंत संभावनाओं को आपके समक्ष पेश करता है। कहा जाता है एक सिविल सेवक का सूरज कभी डूबता नहीं है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए जिस धैर्य और परिश्रम, कष्ट सहने की क्षमता और न हार मानने वाली जिद की आवश्यकता है, निश्चय ही वह एक हर एस्पिरेंट के अंतर्गत होते हैं। और जो सबसे बड़ी विशेषता है वो धैर्य है। धैर्य ही वह नाव है जो आपको सिविल सेवा के इस अथाह समंदर से आपको पार करा सकती है। विश्व के सबसे बड़े कार निर्माता हेनरी फोर्ड से सब उनके सफलता के बारे में एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण धैर्य है। अब हेनरी फोर्ड से और सारे चीजों के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा इसका भी कारण मेरा धैर्य है। जितनी बार वो पत्रकार उनके सफलता का कारण पूछता, हेनरी फोर्ड का एकमात्र जवाब रहता कि मेरे इस सफलता का कारण धैर्य है। पत्रकार नाराज हो गया, उसने कहा कि आपके अनुसार धैर्य से सारे कार्य हो सकते हैं, तो क्या चलनी से पानी उठाया जा सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर धैर्य रखा जाए तो चलनी से भी पानी उठाया जा सकता है। अब पत्रकार का तो हवाइया उड़ने लगा, वो आश्चर्यचकित होगा कि इतने बड़े आदमी, इतने सफल आदमी ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कह रहे हैं, क्या चलनी से पानी उठाया जा सकता, चाहे जितना भी धैर्य रखिए, एक दिन, दो दिन, दस दिन। हेनरी फोर्ड का जो जवाब था वो धैर्य की पराकाष्ठा था। पूछा आप कैसे कह रहे हैं कि चलने से पानी उठाया जा सकता धैर्य रखकर? हेनरी फोर्ड ने कहा हमको तब तक धैर्य रखना है जब तक वह पानी जमकर बर्फ ना बन जाए और मैं उसे अपने चलने से उठा ना सकूं। वो पत्रकार आश्चर्यचकित रह गया। आप विश्व के इतने बड़े कार निर्माता, इतने सफल व्यक्ति से आपने इस धैर्य की परिभाषा को सुना, तब तक धैर्य रखना है जब तक हम पानी को बर्फ न बना देते या पानी जमकर बर्फ न बन जाता और मुझसे चलने से उठा लो। एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को ऐसे ही धैर्य रखना पड़ता है, तब तक धैर्य रखना पड़ता है जब तक वह परीक्षा पास न कर जाए, सफल न हो जाए। सिविल सेवा की तैयारी, अब आप आपके अंदर धैर्य भी आ गया, परिश्रम भी आ गया, जुनून भी आ गया, न हारने मानने वाली जिद भी आ गया। अब आपने किताब प्रारंभ किया पढ़ना। अब किताब पढ़ने का दो तरीका है, या तो एक बैग आप पूरा थारोली कहानी की तरह पढ़ जाइए, या तो आप कुछ चीजों को पढ़ें, कुछ चीजों पर विशेष ध्यान दें। तो सिविल सेवा की जो सबसे बड़ा तैयारी का फार्मूला है पढ़ने का, समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। क्या मतलब है उसका? समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग, मतलब कुछ पर सब कुछ जानिए और सब कुछ पर कुछ कुछ जरूर जानिए।
सिलेबस का कोई भी विषय ऐसा ना हो जो आपके ज्ञान चक्षु से बाहर निकल जाए। हर पर आप दृष्टिपात जरूर करिए, यानी अगर एग्जामिनेशन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो कम से कम आप कुछ तो लिख लें, यानी समथिंग इन एवरीथिंग, यानी एवरीथिंग पे आपको कुछ कुछ जरूर जानना ताकि एग्जाम में कुछ लिख सके, और कुछ पर आप सब कुछ जान लें, यानी उसका गहन अध्ययन करिए। यानी अब एक फार्मूला बना कि सिविल सेवा की तैयारी दो तरीके से हो सकती है। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट बनाइए कि समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग समथिंग, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तैयारी दो तरीके से होनी चाहिए। पहला एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब हो गया विस्तृत और इंटेंसिव का मतलब हो गया गहन अध्ययन। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान आपको यह फार्मूला अपनाना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। पहले आप विस्तृत खूब पढ़ जाइए, कोई भी क्षेत्र बचे ना, लेकिन अब ऐसा करके तो मेंस की परीक्षा में समस्या खड़ा हो जाएगा। हालांकि आयोग तो आपसे सोच रहा है कि हर कुछ जाने आप, लेकिन पारंगतता इससे तो दबा नहीं पाएगी सब पर आप, लेकिन सब पर आपको कुछ कुछ जानना ही जानना है, तो इसके लिए एक्सटेंसिव के फार्मूला अपनाइए। और दूसरा फार्मूला क्या, इंटेंसिव, कुछ चीजों का आप गहन अध्ययन करिए, इतना बढ़िया अध्ययन करिए कि कैसा भी प्रश्न आ जाए वो छूटना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना, मैंने देखा बहुत लोग ये भी बताते हैं कि सिविल सेवा में क्या पढ़ना है इससे ज्यादा जानना जरूरी क्या छोड़ना है। अब भैया सिविल सेवा सर्विसेज का जो भी सिलेबस है क्या आयोग ने उसमें बताया कि क्या छोड़ना है? आयोग ने तो नहीं बताया तो हम कैसे बता देंगे क्या छोड़ना है? आयोग तो यह मानकर चल रहा है कि सिलेबस में जिन तथ्यों का मैंने उल्लेख किया आपको सब जानना है, तो मैं ये क्यों कहूं? मैं तो ये फार्मूला अपना सकता हूं कि समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। यह फार्मूला आपको निश्चय ही हर समय सफलता के करीब ले जा सकता है, चाहे पेपर सरल हो चाहे पेपर कठिन हो। किसी दिन लिखने का तरीका पे अलग बात हम लोग करेंगे कि पेपर सरल आवे तब कैसे लिखना चाहिए, पेपर कठिन आवे तब कैसे लिखना चाहिए। कभी कभी पेपर बिल्कुल इजी दे देता है, तो इजी पेपर तो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि सब उस पर आपसे लड़ रहे हैं। अब इजी पेपर को कैसे लिखना है ये अलग तरीका है, कठिन पेपर को कैसे लिखना है ये अलग तरीका है। आप देखते होंगे जब कठिन पेपर आता है तो स्कोरिंग जो है वो अच्छा हो जाता है, और जब सरल पेपर आता है तो स्कोरिंग बहुत कठिन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सभी लोग कर डाले उसको, कठिन पेपर हुआ तो कुछ लोग कर पाए, निश्चय इसको